अभी मैं दोबारा से पूछता हूँ कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइसर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। भी ये क्या करता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को लेता है। डाइसर डाइसर कट करता है। जी सर बिल्कुल। हाँ स्ट्रेंथ उसकी वो सॉरी लेंथ में जिस तरह वो 20 बेस पेयर की बात करी है फैज़ा इकबाल अच्छा, पर इसका मतलब ये है कि जो डाइसर है ना, उसमें कट डाइसर, करता है। ठीक है, डाइसर क्या करता है कि जो आपके डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ना और सर उसको। इसका वैसे मैंने पढ़ा था कि डेवलपमेंटल भी काफी ज्यादा फंक्शंस है डीसीएल डाइसर लाइक नहीं प्रोटीन के नहीं वो हाँ उसके प्लांट्स के फंक्शन, अंदर डेवलपमेंटल रोल भी है काफी फंक्शंस नहीं, वो बात आपकी ठीक है, इसका में आ जाता है। प्लांट के अंदर एक रोल है जो डेवलपमेंटल रोल है, ठीक है, लेकिन प्राइमरी रोल क्या है कि इसका डबल जी सर स्टैंडर्ड आरएनए को डिग्रेड करना। क्या करता है कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या करता है। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को। अरे सर जी सर आपकी आवाज कट रही है दोबारा बोलिएगा। अच्छा मैं क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को चॉप डाउन करना इसका काम है। जी सर बिल्कुल। अच्छा, इट मींस दैट कि ये जो है ना, क्या करता है कि इसके अंदर क्या है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को जाके पहले ये बाइंड भी करता होगा, ठीक है। क्या है कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को, किधर आ गए हो, मैं कह, ये सबसे पहले जाके क्या करता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बाइंड भी करता होगा। इट मींस इसके अंदर एक ऐसी डोमेन होगी जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को के साथ बाइंड करती होगी, और उसको डोमेन को हम क्या कहेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग डोमेन। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ जी रही आप सर लोग। मैं क्या, इट मींस इसके अंदर CL, आर यू देयर। सर अच्छा, इट मींस दैट जितनी भी डाइसर्स की प्रोटीन्स होंगी उनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग डोमेन होगी, ऐसा ही है। अच्छा, जो आरएनए को डिग्रेड करे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आरएनएज, उसे क्या कहते हैं। RNAs अच्छा, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डिग्रेड करे उसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनएज, ठीक है। जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डिग्रेड करे उसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनएस। अच्छा, जो हमारा डाइसर है ना, डाइसर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनएस एक जो फैमिली है ना उसका एक मेंबर है, इसलिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा डबल स्टैंडर्ड आरएनएस फैमिली क्या होती है। डीएस आरएनएस इन प्लांट्स, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी सर आ रही है। अच्छा, मैं क्या, हमें सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनएज है क्या, ठीक है। अच्छा, और डाइसर इसकी कौन सी टाइप है।
ठीक है, ये आपको ठीक है। तो ये एक पेपर है जो अभी बल्कि रिसेंटली 2020 में आया है, ये साइंस डेस्क में पब्लिश हुआ है। क्या किया, मल्टी और डबल स्टैंडर्ड आ रहे हैं, ये इंसेक्ट्स के अंदर है, ठीक है। अब हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए एक मिनट में आपको दिखाता हूं। ये एक पेपर है, प्रोसेसिंग विद आरएनए 3 इन प्लांट्स, ठीक है। जो आरएनए 3 है ना, ये देखे जो डबल स्टैंडर्ड, जो आरएनए 3 ना वो उसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए। आरएनए की तीन टाइप्स है, उनमें से आरएनए 1, आरएनए 2, आरएनए 3 है। जो आरएनए 3 है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम है। हेलो हेलो, कौन सा डिग्रेडिंग एंजाइम है? आरएनए 2 डिग्रेडिंग एंजाइम है, नहीं आरएनए 3। ये देखो ना, आरएनए 3 क्या है, आरएनए 3 एंडोन्यूक्लियर स्लीव डबल स्टैंडर्ड आरएनए टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आरएनए। अच्छा, तीन आरएनए है, ये मैं ना अभी प्रेजेंटेशन में किसी में डाल के आपको दिखाता हूँ। अच्छा, फर्ज किया ये मैं दिखाना लगा हूं यहां पर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। अच्छा, जो टाइप 3 है ना इसकी, अभी टाइप 1 है, टाइप 2 है, फिर टाइप 3 है, इसकी तीन टाइप्स है। अच्छा, जो टाइप 3 है ना वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चा मैं क्या करूं, मेरी सर हमें आ रही है, मीरब का इंटरनेट का प्रॉब्लम है, शायद इस वजह से नहीं आ रही। मीरब तुम नेट डिस्कनेक्ट करके दोबारा करो, फिर शायद आने लग जाए। अच्छा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप 1 है, टाइप 2 है और टाइप 3 है। जो हमारा जो टाइप 3 है ना, जो टाइप 3 है इसकी, that is belong to RNAs, double stranded RNAs, क्या कहते हैं उसको, DS RNAs। जो double stranded RNA, जो type 1 और 2 है ना, ये single stranded RNA को degrade करती है, ठीक है। जबकि type 3 जो है ये double stranded RNA को degrade करती है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारी डाइसर है, डाइसर जो है इज फर्दर फर्दर सब ग्रुप ऑफ टाइप 3। मेरी बात की समझ आ गई, जो डाइसर है वो फर्दर जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए की भी जो टाइप 3 है उसकी फर्दर सब ग्रुप में आता है। अच्छा, अब ये इस पेपर के अंदर लिखा हुआ है, ये जो पेपर है इसके अंदर ये एक टेबल है, इस टेबल के मुताबिक आपको नजर आएगा, ये देखिए क्लास 1 इसकी, अगर आरएनए 3 की भी आगे चार क्लासेस है। मेरी बात की समझ आ गई, जो आरएनए 3 है, ये जो आरएनए 3 है ये वाला, आरएनए की तीन क्लासेस है, जो तीसरी क्लास है उसकी फर्दर तीन चार क्लासेस है।
has four classes. मेरी बात की समझ आ रही है इस बात की? जी सर. टाइप थ्री की फर्दर, अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें, टाइप थ्री की आगे फर्दर सब क्लास जो है वो कितनी है? फोर है. ठीक है. अच्छा अब ये देखे, क्लास वन ये टाइप थ्री की है, आरएनए थ्री की क्लास वन, जो कि सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई में पाई जाती है. इट मीन इसका प्लांट से कोई लेना देना नहीं है. जो क्लास टू है वो एनिमल के अंदर सिर्फ पाई जाती है. इट मीन दिस इज आल्सो, दीज टू क्लासेस आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स. जो क्लास थर्ड है आरएनए थ्री की, वो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है. ठीक है. और उसको डाइसर कहते हैं. अच्छा जो टाइप फोर है वो भी प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, लेकिन वो कुछ वो जो है ना वो डाइसर नहीं है. इट मींस जो क्लास थ्री ऑफ आरएनए थ्री दैट बिलोंग टू डाइसर. नहीं लगी समझ? आ गई है. अच्छा अब हमने, अच्छा अब हमने सिर्फ इस क्लास को एनालिसिस करना है, और इस क्लास के अंदर जो जो डोमेन है वो हमने आइडेंटिफाई करनी है कि आपके जो भी आप सीक्वेंसेस डाउनलोड करें उनके अंदर एंडो एनडी डोमेन, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग डोमेन और अदर डोमेन्स में हेलिकेस डोमेन, पेयर्स डोमेन और ये जो डब 2283, ये सारी डोमेन्स होनी चाहिए. अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग है तो वो डाइसर लाइक डोमेन नहीं होगी. इस बात की आपको कोई समझ आई? अगर इसमें एक इनसे और इनके अलावा भी हो तो वो कोई इशू नहीं है. तो कोई इशू नहीं है. अब ये देखे, अच्छा अब ये देखे, क्लास थ्री कोरस्पोंड टू डाइसर टाइप ऑफ एंजाइम विच कंटेन टू एंडो एंडी सिंगल डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग डोमेन. अच्छा इट मींस अगर जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये वाली डोमेन है, वो आपको मेरे सीक्वेंस भेजी थी इसकी, पता है ना आपको? हेलो जी सर. इसी को सर्च किया ना आपने? जी सर, इसी को ही किया था. इट मीन आपने तो एनालिसिस कर लिया सारे सच. अच्छा अब हमारा काम ये है, अब हमने इसी को तलाश करना है बनाना के अंदर. आपकी मिली है बनाना के अंदर कितनी मिली है मीरम? हेलो सर, मैंने अभी डोमेन सर्च नहीं की बनाना की. सर टेबल जो है वो आपने कहा था बनाने के लिए, डोमेन्स का आपने बोला नहीं था, तो अभी मैंने वो नहीं की. मैं अभी तलाश कर लेता हूँ, ये देखें. ठीक है, मैं अभी तलाश करता हूँ ये कि अब इट मीन्स आपको डाइसर का सारा समझ आ गई अब? जी जी सर, डाइसर की समझ आ गई है. अच्छा अब एक और चीज देखिए, जो क्लास फोर है ना उसके अंदर ये एब्सेंट है. इट मीन जिसके भी अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग डोमेन होगी वो सिर्फ डाइसर ही होगा. सर दोबारा बोलिएगा. डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग डोमेन इन तीनों के अंदर है, क्लास वन टू थ्री के अंदर है, फोर्थ के अंदर ये एब्सेंट है. इट मींस फोर्थ भी प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, प्लांट के अंदर पाई जाती है. अगर हम हमारे पास इसकी सीक्वेंस हो जी सर, तो इट मींस वो जो भी सीक्वेंस होगी हमारे पास वो डाइसर लाइक होगी.
ठीक है सर। प्लांट्स के अंदर जो भी सीक्वेंस होगी जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंडिंग डोमेन है, इट मस्ट बिलोंग टू डाइसर। डाइसर, ये बात की समझ आ गई अब आपको? इसी तरह आपने डाउनलोड की है सबने जो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास वो जो सीक्वेंस है वो किधर गई, किधर गई, किधर गई, किधर गई, किधर गई, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग डोमेन वाली, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको हम फाइटोसोम में जाके, जी बच्चे एक बात पूछनी थी कि ये सिर्फ ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए आरबीडी जो है बाइंडिंग डोमेन, सिर्फ ये ही है जो डिस्टिंग्विश करेगी, कोई और डोमेन नहीं है? नहीं, ये तकरीबन हर एक के अंदर होगी, अगर ये किसी के अंदर नहीं है तो वो डाइसर नहीं होगा सर। लेकिन डाइसर की बाकी भी तो डोमेन्स है ना, मैंने कहा ना, आरबीडी में ऐसी क्या खास बात है जो ये डिस्टिंग्विश करेगी इसको? ये इसलिए खास है क्योंकि ये जब बाइंड करती है ना उसके साथ डबल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ, तो इट मींस दैट जब तक बाइंड नहीं करेगा तो काम कैसे होगा? बिल्कुल ठीक है मेरी बात, आपके पास हैंड ही नहीं है तो हम दरवाजा कैसे खोलेंगे? जी ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, अब म्यूसा अक्यूमिनेटा बनाना का साइंटिफिक नेम क्या है जो इसके अंदर है? म्यूसा अक्यूमिनेटा। यहां जाएंगे, इसको ब्लास्ट करेंगे, यहां हम वो सीक्वेंस पेस्ट कर देंगे और यहां पर हम प्रोटियोम में चले जाएंगे और फिर इसको गो कर देंगे। तो ये हमें बताएगा कि कितनी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग डोमेन कंटेनिंग सीक्वेंसेस है बनाना के अंदर। वो ये कह रहा है कि देर आर फाइव, ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई आपको? हाउ मेनी? ये फाइव है, पहले तो व्यू कार्ड में जाए। कितनी है सीक्वेंसेस? अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ऑल और इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐड टू कार्ड और व्यू कार्ड और फिर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे सीक्वेंसेस को। ठीक हो गया, अच्छा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैं ना आपको पूरा एक मटेरियल मेथड दिखाता हूं कि क्या क्या काम करने हैं आपने। ये मेरे पास ना एक पूरी, मैंने ना एक लिस्ट बनाई हुई है, अच्छा ये देखें, ये मैंने ना एक ना पूरा प्लान बना हुआ है कि अगर आपने जीनोम वाइड एनालिसिस करना है सबसे पहले आपने डाउनलोड करनी है सीक्वेंसेस, फिर टेबल बनाना है प्रोटोप्रैम टूल को यूज करते हुए इंट्रॉन एग्जॉन क्रोमोसोम लोकेशन वाला, फिर डोमेन एनालिसिस करना है यूजिंग एनसीबीआई सीडीडी एंड टीवी टूल्स। ये टीवी टूल इंस्टॉल कर लिया आप लोगों ने? हेलो सर, कौन सा कह रहे हैं आप सॉफ्टवेयर? टीवी टूल्स सर, दोबारा बोलिएगा। जी सर, ये हो गया था इंस्टॉल। अच्छा, अब मैं ठीक है, ये हो गया था। अब हमने सबसे पहले काम ये करना है कि हमने अपनी डोमेन्स में से चेक करना है कि इनके अंदर वो तमाम डोमेन्स है कि नहीं, ठीक है। पहला काम, हम प्रोटीन की सीक्वेंस को लेंगे, ये जो अभी डाउनलोड की है हमने आपकी प्रोटीन की सीक्वेंस लेंगे। अभी डाउनलोड हुई है कोई? इज देयर एनीथिंग डाउनलोडेड? ये क्विक डाउनलोड में हुई है, सही है। इसको हम शो इन अ फोल्डर, यस सर, हो गया।
अच्छा अभी आप लोगों का कोई मैंने फोल्डर बनाया हुआ है? जी सर आपने बनाया हुआ है। कहाँ बनाया था मैंने? सही है नहीं अब याद। यूजी स्टूडेंट्स वाला बनाया। हाँ 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 यूजी स्टूडेंट सही है। नहीं यूजी हाँ एक्जेक्टली हियर अच्छा अब ये जो क्विक डाउनलोड है ना इसके अंदर अब हमने क्या करना है कि ये सीक्वेंस तो हमने रखनी है। ये सीक्वेंस सही नहीं हुई। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस इसके एंड के ऊपर ये स्टार बना हुआ है ये स्टार हमने रिमूव करना है इसको कॉपी करके कंट्रोल एफ रिप्लेस विद नथिंग। तो ये सभी में से ये स्टार्स खत्म हो गया। ठीक हो गया सर। जी सर ये जैसे मीटिंग ऑफ होगी तो आप काइंडली रिकॉर्डिंग जरूर सेंड कर दीजिएगा। ओके और आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये सब का ना ये सारा इसको ना शॉर्ट कर देना ये सारे का सारे ये डिलीट करते जाना इसका ना सिर्फ ये वाला रखना है पहले वाला ना बाकी सब डिलीट कर देना आपने। ये मैंने बताया था पहले कितने बड़ी। अच्छा आपने ये वाला यहां से लेकर यहां तक सारा डिलीट कर देना और फिर आज अमाइनो एसिड्स है वो नीचे कर देने। ये बात की समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? अच्छा अब हमने क्या करना है क्योंकि ये है नुसा अक्यूमिनेटा अब हमने ना इसका ना नाम चेंज कर देना जो पहले वाला है ना इसका नाम रख देना एम ए डी सी एल वन दूसरे वाले का एम ए डी सी एल टू तीसरे वाले का एम ए डी सी एल थ्री। ठीक है ये कैसे करना है हमने ये देखो इसको अब आपने ना इसको अब जो चेंज करना है ना ये हमने फाइल सेव एज कर देना फाइल सेव एज यहां पर मैं लिख देता हूं ये मीरम का है ना सबका डिफरेंट होगा ना प्लांट यहां पर हम लिखेंगे एम ए डी सी एल पेप्टाइड अच्छा इसका ना एक क्विक मेथड है नाम चेंज करने का वो मैं आपको बताने लगा आप सबने भी ऐसे ही चेंज करना है इसका नाम ये मैंने इसको कंट्रोल ए कॉपी किया सारी सीक्वेंसेस को अब आपने टीवी टूल में जाना है ये टीवी टूल है। ठीक है अच्छा अब आपने क्या करना है कि इसमें सीक्वेंस टूल किट में जाके फास्टा टूल में जाके सबसे पहले फास्टा टू टेबल कन्वर्ट करना है और यहां पर आपने सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है और फिर फास्टा टू टेबल कर देना है और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये फास्टा टू टेबल। अच्छा अब फास्टा फॉर्मेट होता क्या है ये अंदाजा है आपको क्या होता है? अच्छा फास्टा ये होता है कि एक चीज जो इस तरह के ये जो बड़ा ग्रेटर देन वाला साइन है और उसके साथ आईडी है और नीचे पेप्टाइड सीक्वेंसेस है इसे फास्टा फॉर्मेट कहते हैं। हर फास्टा जो सीक्वेंस है ना ये देखो जो नई सीक्वेंस है वो किसके साथ स्टार्ट हो रही है ग्रेटर देन वाला साइन और
जीन आईडी, ये देखे ना, ये सारा, इसे हम फास्टा फॉर्मेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फास्टा फॉर्मेट। अब हमने इसको फास्टा फॉर्मेट से टेबल में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। जब हम फास्टा टू टेबल को कनेक्ट करेंगे तो ये टेबल फॉर्मेट में आ गया। अब हम इसको कंट्रोल ए कॉपी करेंगे, ठीक है, इसको कंट्रोल वी। अब हमने ना इसका नाम चेंज करना है, आईडी का यहां पर एम ए डी सी एल वन करना है, यहां पर एम ए, ये हम दूसरा वाला कॉलम डिलीट करेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसकी जगह एम ए डी सी एल वन, ठीक है, और ऐसे हो जाए, इसकी जगह डी सी एल वन हो जाए, इसकी जगह डी सी एल टू हो जाए, इसकी जगह डी सी एल थ्री हो जाए। अब हमने इसको कॉपी करके ठीक है, अब हमने यहां फिर जाना है, अब हमने आईडी रीनेम में जाना है, यहां पर लिखा ओल्ड नेम न्यू नेम, ये डिलीट करेंगे, और यहां पर हम ये इसकी जगह ये आ जाए, इसकी जगह ये आ जाए। जब 200 सीक्वेंसेस हो तो बड़ा इजी हो जाता है इसे करना। फर्ज किया जो आपकी तो सिर्फ पांच है ना, वैसे मैं कह रहा हूं इफ यू हैव अ 200 सीक्वेंसेस। अच्छा, अब ये देखिए, इसको अब आपने ड्रैग कर देना ऊपर फास्टा फॉर्मेट। आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यहां पर एम ए डी सी एल वन आ जाए, यहां पर एम ए डी सी एल टू आ जाए, यहां पर एम ए डी सी एल थ्री आ जाए, तो वो हम, और हम चाहते हैं कि इसी फोल्डर में आ जाए, तो हम इसका नाम रख देते हैं एम ए डी सी एल पेप्टाइड न्यू, रीनेम या कर दो उसको, ठीक है। और इसको अब हमने स्टार्ट कर दिया, जब स्टार्ट किया तो एक मिनट में फिनिश हो गया काम। और ये देखे, अब आप इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करोगे तो हर एक के सामने एम ए डी सी एल वन टू थ्री फोर फाइव, समझ आ गई बच्चों? हेलो, आई गई होगी, ये चैट में क्या लिखी जा रहा है? टीवी टूल, टीवी टूल, टीवी टूल, फैजा उस्वा का सर को रिस्पॉन्ड करना, मेरे नेट इश्यू है। ओके 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 ओके, समझ आ रही है बच्चों? जी सर। ओके 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 ओके। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हमने चेक करना है कि इसके अंदर वो तमाम डोमेन्स हैं जो हमने तलाश करनी है। अब इसके लिए भी हमें टीवी टूल भी यूज करना है और मोटर फाइंडर में भी जाना है हमने, और एनसीबीए सीडीडी में भी जाना है। अच्छा, फिलहाल ये रीनेमिंग वाला है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करता हूं ताकि उसके अंदर अब हम इसको वो तलाश कर सके कि इसका इसके अंदर डोमेन कैसे फाइंड करनी, क्योंकि टाइम इज शॉर्ट। हम मैं दोबारा से रिकनेक्ट कर लें, ठीक है।